बेयर ग्रिल्स और उनकी टीम को जानलेवा हालात में पर्याप्त मदद दी जाती है। दर्शकों से अनुरोध है कि बेयर द्वारा किए गए स्टंट्स को दोहराने की कोशिश न करें। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं दुनिया के इस दूर दराज के खतरनाक सुनसान इलाके से जिंदा निकलने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खड़ी चट्टानों पर चढ़ूंगा, दम निकल गया। जंगली जानवर पकड़ने के लिए अपनी हंटिंग स्किल्स को आजमाऊंगा। खाने की तलाश में 30 फुट की गहराई में डाइव लगाऊंगा। क्या बात है! आपको यहाँ से बच निकलने के तरीके सिखाऊंगा। Man vs. Wild with Bear Grylls. मैं बियर गिल्स आ चुका हूँ आज चिपियाना के उन बीहड़ घने जंगलों में। जी हाँ, जहाँ पर आपको एक एक कदम बहुत सुरक्षा के साथ रखना पड़ता है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी अगर कोई भी कमी रहती है तो आपकी मौत हो सकती है। आज मैं आपको यहाँ पर किस तरीके से सरवाइव करना और कैसे निकलना है ये मैं आपको बताऊँगा। और मैं बियर गिल्स आज हमारे साथ जो मौजूद है, एक बोतल पानी और मेरा चकमक पत्थर और एक मेरे पास छोटा चाकू है सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी मौजूद हैं। तो इसलिए हमने ये सेफ्टी के लिए रखे और मेरे साथ मेरी कैमरा टीम मौजूद है जो कि हमें इसे शूट कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि चिपियाना जैसे इंडिया के घने जंगलों से किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है। आइए और यहाँ पर एक एक कदम को सही तरीके से रखिए। चलिए आइए। तो आइए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चिपियाना के इन घने जंगलों से निकला जा सकता है। सबसे पहले इन जंगलों से निकलने के लिए हमें दिशा का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हमें पता है कि यहाँ पर अगर मैं उत्तर की तरफ चलता हूँ तो मुझे किसी बस्ती के होने का अंदेशा है, वहाँ पर मिल सकती है। तो हमें उस साइड ही चलना है। और अब ऐसे जंगल में जब आप देख रहे हैं चारों तरफ घने पेड़ हैं और ये सभी कीकड़ के पेड़ हैं आप देख रहे हैं, जो कि बहुत कांटेदार होते हैं, उनके बारे में भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं समझिए कि यहाँ पर उत्तर दिशा किस तरीके से देखना है। जहाँ पर आपका सूरज होगा वहाँ पर आपको और धरती की दूरी को नापना है कि किस तरफ सूरज है। चलिए उस चीज़ को ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से करा जाएगा। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत बारीकी से चलना है। नीचे आप देख रहे हैं कि एक से एक बार देखिए मेरे पैर में एक कांटा भी धस गया है। ये देखिए ये खतरनाक कांटे हैं। जरा मैं कैमरामैन से जूम करके दिखाने के कहूँगा, ये जो है आपकी जान भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जहरीले कांटे होते हैं। ये अभी मुझे चुभा है, हालांकि ये अभी जहरीला नहीं है, मगर कुछ पेड़ यहाँ पर जहरीले भी हैं। आपको बड़े संभल कर चलना है। आइए कैमरामैन से मैं कहता हूँ जरा मेरे साथ साथ चलिए और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से आप हुनर के साथ आप निकल सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, जब भी यहाँ पर कोई भी पेड़ का सहारा लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जैसे बरसाती वनों से निकलने के लिए सबसे पहले आपको जो ढूंढना है वो है आपकी ज़रूरत का सबसे पहला पॉइंट है, वो ज़रूरत का सामान है, वो है पानी। पानी के बिना आप बिना डिहाइड्रेशन के आप मर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी मौत आ जाएगी। दूसरी चीज़ होती है आपके लिए खाना। खाने के तौर पर यहाँ पर आप कुछ भी जो आपके ज़रूरत हो वो मिल सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ भी खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हमारी जो खोज अभी चल रही है वो इस मुसीबत की है, वो है पानी का, क्योंकि पानी मेरा जो है वो ख़त्म हो चुका है और मुझे अभी पानी की ज़रूरत है। तो ऐसे में चल रहे और ये देखिए इधर देखिए, ये पानी का एक स्रोत दिख चुका, थोड़ी आवाज़ भी आ रही है। आइए चलिए पानी की तरफ चलते हैं जल्दी से जल्दी, आपको पानी, क्योंकि हमें ताज़ा पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये नीड है। ये देखिए आप चल रहे हैं मेरे साथ चिपकाने के जंगलों में और आप ये देखिए ये एक तालाब आ चुका है यहाँ पर। ये मेरी किस्मत कही है कि इस जंगल में ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की कमी रहती है वहाँ पर पानी है, हालांकि ये गंदा है पानी। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो चीज़ है ना, ये जंगल जलेबी बोला जाता है इसे इंडिया में इसे जंगली जलेबी बोला जाता है। इसमें प्रोटीन भरपूर होता है और ये आपके खाने के काम आ सकता है। इसे आप सिंपल है तोड़िए और इसके अंदर के जो बीज होते हैं उनको आप यहाँ पर ये देखिए
इस तरीके से ये जो बीज होते हैं इन्हें आराम से निकालिए और इसको आप मुंह में डालकर आराम से खा सकते। थोड़ा सा कसेला है मगर काम चल जाएगा और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह देगी और यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। कुछ अभी हालांकि मोटा नहीं खाने को मिला है मगर मेरा काम चल जाएगा। अभी मेरे लिए ज़रूरत है पानी की, थोड़ा सा पानी है। इसे मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं पी सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो मुझे पानी जो ज़िंदगी देना चाहता है वो मौत जल्दी दे देगा, इसलिए मुझे इस पानी को उबालना पड़ेगा। पानी उबालने के लिए मुझे आग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आग जलाने के लिए मुझे यहाँ पर सूखी लकड़ियाँ और रेसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको हम अरेंज करेंगे। चलिए कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं, हालांकि यहाँ पर भी हैं मगर मैं कुछ रेसे लेकर आऊँगा जिससे आग जलाने की कोशिश करूँगा। आपको मैं नई टेक्निक से आग जलाना सिखाऊँगा जिसके ज़रिए आपको, आप ऐसी मुसीबत में फंसते हैं और आपके पास माचिस वगैरह लाइटर वगैरह नहीं होता तो भी आप आग जला सकते हैं। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये पानी को उबालने के लिए हमें रेसों की ज़रूरत है और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सूखी अमर बेलों बेल हैं जो कि काफ़ी मुलायम है। इनके ज़रिए हम यहाँ पर रेसे बना सकते हैं। ये देखिए ये रेसे, ये बहुत काम आने वाले हैं आग जलाने के लिए। ये इन रेसों को ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। ये मुलायम मुलायम रेसे हैं ना, ये जो रेसे हैं ये आप जलाने के काम आ सकते हैं। इनको आप थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए। चलिए मैं इकट्ठा करता हूँ और इसके बाद मैं आपको आग जलाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप आग जला सकते हैं जंगल में बिना माचिस और बिना लाइटर के ज़रिए। दोस्तों यहाँ पर जंगल में आपको रस्सी के तौर पर तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे में यहाँ पर ये बेल बहुत काम आने वाली है। इनको क्या करना है, सिर्फ इन्हें जितनी लंबी बेल हो सके वो ले लेनी है और ये बेलों को आपको किसी पेड़ के किनारे पर जाकर थोड़ा सा इन्हें इस तरीके से घिस लेना है जिससे ये मुलायम हो जाए और ये आपके पास आराम से इसे आप कैरी कर सकें, इसे आप बैग वगैरह में रख सकते हो। ये आपके रात को सोने के लिए कुछ ठिकाना बनाने के लिए, देखिए इस तरीके से आप इसे मोड़कर आराम से रख सकते हैं और इसको आप ले जाते हुए ये आपको किसी भी चीज़ के बांधने में, कहीं पहाड़ी में उतरने में, कहीं भी बहुत जगह काम आएगी। इसलिए मैं रख लेता हूँ, ये मेरे बहुत काम आने वाली है। क्या है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए आइए चलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पानी भर लिया है, ये देखिए इसे, मगर मैं डायरेक्ट नहीं पी सकता हूँ, उसे उबालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपने ठिकाने पे चलते हैं जहाँ पर हमने आग लगाई हुई है और वहाँ पर अपने पानी को उबालेंगे और उसके बाद इसे पियेंगे और ये मेरे बहुत काम आने वाला है। मैं दोस्तों आपको एक दिखाना चाहता हूँ, मेरे खाने का इंतजाम हो तो सकता है मगर वहाँ पर कुछ बत्तख जंगली मुर्गियाँ हैं यहाँ पर, मगर उनको पकड़ पाना मुश्किल है और मैं जैसे कि ये नहीं खाना चाहता अभी क्योंकि मेरे मुझे काफ़ी जंगल जलेबी मिल चुकी है। कुछ और खाने का इंतजाम करते हैं, हालांकि इनके अंडे वगैरह मिल गए तो ट्राई करेंगे मगर ये जो पानी है ना ये दरअसल दलदल है, इसलिए मेरा जाना यहाँ पर ख़तरनाक हो सकता है। और इसके मैं आपको एक ऐसे जोड़े के बारे में बताता हूँ जो कि इस जंगल में भटके थे और उनको लगभग 5 दिन बाद रेस्क्यू किया गया था और उसके रेस्क्यू में वहाँ पर सिर्फ आदमी ही जीवित मिला था और वह औरत जो थी वो उसकी जो पार्टनर थी वो डिहाइड्रेशन के कारण मर चुकी थी। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये जंगल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए ऐसे जंगलों में जब भी आप कभी सर्वाइव करें या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति हो या यहाँ पर घूमने आते हो तो इसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एक दिन भी यहाँ पर बिना पानी और बिना खाने के टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी आपके लिए मुसीबत होगी जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जो नेवी के प्रशिक्षण में जो लिया था वो मैं आपको अपने गुण यहाँ पर सिखा रहा हूँ। देख रहे हो जंगल में ये जो कांटे के जो पेड़ हैं सभी जहरीले हैं, इनको हाथ लगाना भी आपके लिए मौत साबित हो सकती है, इसलिए इनको हाथ लगाना भी खतरनाक है, इसलिए हम बिना हाथ लगाए। और कोशिश करें कि आप अपने साथ एक डंडा जरूर रख लें और अपना जो चाकू है उसका यूज़ करें और हर पौधे को पहले काट कर अलग करते हुए आगे चलें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पास भी मौजूद है ये छोटा सा चाकू, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इससे बड़ा चाकू कोई आम जन इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो इससे जैसे अलग कर सकते हो, ठीक है, काट सकते हो इसे और इससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अपनी नई मुसीबत को सामना करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। गाइस चिप्याना के जंगलों को हम पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो सामने आ चुका है यहाँ पर एक झाड़ियों का एक घना जंगल जिससे छूने से बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। तो ऐसी मुसीबत को पार करने के लिए आपको एक मोटा डंडा अपने हाथ में लेना और उसको बीच में से पकड़ना और दोनों साइड से
बिना टच करे झाड़ियों को आगे बढ़ते रहना, और आप वो ही मैं अभी कर रहा हूँ। ये मैंने जो इंडियन नेवी में सीखा था वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से आप बढ़ते जाइए और इस तरीके से आप घने जंगल को पार करते जाएंगे। ये डंडे को इस तरीके से आप क्रॉस करते जाइए और ऐसे आप क्रॉस कर जाएंगे इस मुसीबत को। चलते, मुझे ये मिल चुका है एक चीड़ का फेल। ये आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ये रात को इसकी जो चीड़ होती है वो इसकी जो छाल होती है ये बहुत ज़्यादा जलती है और काफ़ी समय तक रहती है। ऐसे में प्रकाश करने के लिए अच्छा साधन है। और ये चीड़ की जो ये छाल है वो मैं सभी रख लेता हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत काम आएगी नाइट में, और रात में क्या अंधेरा हो जाता है, तो ऐसे में ये इनका सब काम आएगी। और इसलिए मैं थोड़ी सी ये कर लेता हूँ। इस पेड़ का ज़रूर नाम याद रखें, चीड़ बोला जाता है इंडिया में, और इसको आपको बहुत काम आने वाली। ये मैं अपने जेब में रख ले रहा हूँ जिससे कि ये मेरे रात को काम आए, और ऐसी कोई भी मौका मत छोड़िए जो आपकी ज़िंदगी को बचाने के काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत समय गुजार लिया है, थोड़ा तेज़ी तेज़ी आपको दिखा रहा हूँ कि एक ऐसे जंगल की मैं किस तरीके से बच के निकलना है। ये वो जंगल हैं जहाँ पर आप दो कदम भी मौत के पास पहुँचा सकते हैं आपके लिए, और यहाँ पर किस तरीके से आपको ये डिहाइड्रेशन और भूख प्यास से मार सकते हैं। तो हमारी भी ये सफ़र जारी है अभी छिपियाना के इन घने जंगलों में, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सरवाइव करना है। तो चलते चलते अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग शाम का समय हो चुका है और अंधेरा छाने वाला है। उससे पहले हमें यहाँ पर रहने का इंतज़ाम और अपने बसेरे का इंतज़ाम करना है। हमें इस तरीके का बसेरा बनाना है कि यहाँ पर आपको पानी और खाने का प्रबंध रहे। साथ ही आपको मैं बता दूं, रात के वक्त ये जंगल बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, और यहाँ पर ज़मीन पर सोना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये आपके रेंगने वाले बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे में हमें जो अपना बिस्तर बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर रहे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये दो पेड़ हैं, एक ये पेड़ है एक ये पेड़ है, इसके बीच में मैं फंदा लगाकर अगर मैं लगाता हूँ दो डंडों के साथ से यहाँ पर एक बिस्तर नुमा बना सकता हूँ, और जो मुझे लगता है मैं बना पाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसके ऊपर रात गुजार सकता हूँ। और उससे साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मेरे पास ही पानी का प्रबंध है, और इन पानी के अंदर यहाँ पर मछलियाँ भी मौजूद है जो कि प्रोटीन का एक अच्छा उपयुक्त साधन है। मैं यहाँ पर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मुझे इन पतली पतली बेलों का इस्तेमाल कर एक मजबूत फंदा बनाना पड़ेगा। अगर मेरी किस्मत रही तो सुबह मेरे नाश्ते में एक अच्छी मछली का पकड़ जाना मुश्किल है या मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा ये फंदा। तो मैं सबसे पहले मैं इन बेलों को तोड़ूंगा और जितनी ज़्यादा बेल हो सकती है उनको तोड़कर इनसे एक मजबूत ऐसा फंदा बनाऊंगा और उस फंदे को रात के लिए लगा दूंगा, जिससे कि क्योंकि अभी मुझे पता है कि इतनी जल्दी नहीं आ सकता। देखिए, इस फंदे को बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, ऐसे बेलों को करना है और एक जाली नुमा बना देना, और लास्ट में यहाँ पर इसे थोड़ा सा कस देना है। ठीक है, ये मैंने नेवी में सीखा था, ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम आने वाला है। देखिए, इस तरीके से करके ये करना है। अब हमारा होगा क्या, ये एक जाल नुमा बन जाएगा और सिर्फ इस फंदे को डाल कर रखना, और इसमें आकर मछली फंस जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप मेरे साथ चलिए। ये देखिए, जैसे ये पानी है, ये पानी देखिए, ऐसे पानी से थोड़ा बचकर भी रहना चाहिए क्योंकि ऐसे में मगरमच्छ और क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जानवर भी अंदर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए। देखिए, थोड़े बत्तख वगैरह हैं तो इसका संकेत है कि यहाँ पर मछली अच्छी मात्रा में है। तो आपको ऐसे ये फंदा डाल देना है सिर्फ, और इसके अंदर थोड़ा सा इसे किनारे पर रखना है, क्या कि आपका फंदा बह ना जाए। तो ऐसे में थोड़ा सा वजन आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा वजन लेकर आता हूँ, एक सेकेंड, थोड़े से देखो मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा पानी में डुबाते हुए रखना है जिससे कि इसमें आकर मछलियां फंस जाएं। ये एक बहुत शानदार ट्रिक है, और इसको ये बहना जाए इस फंदे को इस तरीके से रखना। चलिए मैं ऐसे ही आप लगभग 5 से 10 फंदे फंसाऊं जिससे कि एक ना एक जगह मछली फंस जाए और सुबह मेरे अच्छा नाश्ते का इंतजाम हो जाए। और अभी मुझे रात जो गुजारनी है वो जंगली जलेबी खाकर ही गुजारनी पड़ेगी। कोशिश करूँगा क्योंकि ऐसे मैदानों में और ऐसे जंगलों में मशरूम वगैरह मिल जाते हैं, हालाँकि वो मशरूम बिल्कुल भी जहरीले नहीं होने चाहिए तो ही आप खाएं, नहीं तो आपके लिए वो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आइए मैं कुछ और मशरूम वगैरह ढूंढता हूँ और चलता हूँ इस जंगल की तरफ। थोड़ा सा हम क्या है कि कुछ यहाँ पर जंगल में मशरूम मिलने की उम्मीद है, तो हम उस मशरूम को ढूंढते हैं बारीकी से। देखिए ये रहा, देखिए मशरूम जरा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये देखिए,
ये मशरूम है, इसको हम खा सकते हैं। हालांकि आपको परख लेना चाहिए कि ये बिल्कुल भी जहरीला, जहरीला जो पहचान होती है वो होता है चटक रंग। अगर कोई भी मशरूम बिल्कुल डार्क कलर का है, कोई भी नीले या फिर गुलाबी डार्क कलर का है, तो वो जहरीला हो सकता है। ये सफ़ेद कलर का है, ये खाने लायक हो सकता है, तो इसे खा सकते हो आप। चलिए काम पर लगते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना बसेरा बनाना, क्योंकि पानी का इंतज़ाम हो चुका है, खाने का इंतज़ाम हो चुका है, सिर्फ इंतज़ाम है रात के सोने का, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन पर सोना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप ऐसे कभी बरसाती वनों में जराएं, तो उसे ज़मीन पर सोना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ऐसे में आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं, इसे बोला जाता है मंकी स्ट्रेटेजी, और इसके मतलब ये होता है कि आप ज़मीन पर ना सोकर किसी पेड़ के ऊपर आराम से सो सकते हैं। ऐसा पेड़ देखिए जो कि थोड़ा सा झुका हुआ हो और जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ऐसा ही एक पेड़ मुझे मिल चुका है, यहाँ पर आप आसानी से ऊपर चढ़कर आराम से सो सकते हो और रात बिता सकते हैं। मगर आपका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ना चाहिए रात को सोते समय, क्योंकि आपके लिए वो ख़तरनाक हो सकता है। तो ऐसे में देखिए सोना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक आराम ज़रूरी है। तो आराम करने के लिए आप क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर अपने आप को ऐसी पोजीशन में लाइए कि आप फंस जाएं और आप आराम से सो सकें। दोस्तों चिपियाना के जो जंगल हैं उसमें मैं मौजूद हूँ, अभी आप देख रहे हैं। मैंने मंकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं अभी एक पेड़ पर मौजूद हूँ, क्योंकि ज़मीन पर सोना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो हमें क्या है कि ऐसे पेड़ का इस्तेमाल करना चाहिए जो थोड़ा सा झुका हो और आपके लिए सोने के लिए कंफर्टेबल हो। और अभी आप देख रहे हैं मैं अभी पेड़ पर मौजूद हूँ और आराम से बैठा हुआ हूँ, टेक लगा रखी है और मेरे खाने का प्रबंध हो चुका है। जंगल जलेबी से ही आज रात गुजारूंगा। सुबह के लिए मैंने मछली पकड़ने के लिए फंदा लगाया हुआ है, हालांकि देखते हैं कितनी मछलियां फंसती हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि एक आपको कहानी भी बताता हूं कि अभी कुछ एक महीने पहले यहां पर 5 लोगों की टीम थी जो कि अपने नाइट को बिताने के लिए यहां पर जंगल में आई थी। उसमें 5 में से 2 लोग भटक गए थे और उन्होंने यहाँ पर एक समझदारी करी, उन्होंने ऐसी ही जगह पर एक जगह पर रहना उचित समझा और वहाँ पर जंगल जलेबी खा खा कर पूरी रातें वहाँ पर एक हफ्ते तक गुजारी। उसके बाद उनको सरवाइव कर उन्हें वहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया था और आर्मी की टीम ने रेस्क्यू किया था। हालांकि गलीमत है कि उनकी ज़िंदगी बच गई, मगर ये मौके बहुत कम मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर बचने के लिए बहुत ट्रिक आनी चाहिए। चलिए मेरे नाश्ते का टाइम है, फिर मेरे रात का सोने का समय हो जाएगा। चलिए तो सुबह हो चुकी है, सुबह का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है और हम आगे का सफ़र और नई मुसीबतों को फेस करने के लिए स्टार्ट हैं। थोड़ी सी एनर्जी के लिए हम पानी पी सकते हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। फिर हमें जाना है अपने मछली के फंदे की तरफ, देखते हैं कि क्या हमारी किस्मत में कोई मछली फंसी है या नहीं, और उसके बाद हमारा थोड़ा नाश्ता होगा, फिर आगे के सफ़र पर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मिलने वाला है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चल रहे हैं अपने मछली के फंदे की तरफ, जहाँ पर हमने रात बिताई थी और अपना प्रबंध किया था। रात को कुछ मैंने अभी मोटा नहीं खाया है कुछ रात से, तो मेरे शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो गिर रहा है और मुझे अभी एनर्जी के लिए कुछ खाने की बहुत ज़्यादा नीड है। हमारा फंदा लगा है और मुझे उम्मीद है कि कोई मछली फंस गई हो जिससे कि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। देखिए ज़रा मैं चेक कर लेता हूं और अरे ये हमारी गंदी किस्मत कह सकते हैं कि अभी एक भी मछली नहीं फंसी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है ऐसे फंदों में। चलिए मैं और कुछ फंदे चेक करता हूँ, शायद आज मेरी किस्मत अच्छी हो कि कोई मछली फंसे। चलिए दोस्तों मायूसी से कहना पड़ेगा, कभी कभार ऐसी
कंडीशन आ जाती है जहाँ पर आपको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, मगर ऐसा नहीं होता है। रात से मैंने कुछ नहीं खाया, मगर फिर भी यहाँ पर सुबह भी कोई शायद कुछ मोटा नहीं खा पाऊँगा। जंगल जलेबी यहाँ पर भरपूर मात्रा में है प्रोटीन के लिए, मगर अगर कुछ मोटा मिल जाता तो दावत हो जाती, मज़ा आ जाता है, जिससे कि कुछ शरीर में मोटा क्या। और ऐसी परिस्थिति में भी आपको हताश नहीं होना है, क्या कि अगर आप ऐसी परिस्थिति अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपका एनर्जी अप लेवल गिरता जाएगा और उससे क्या होगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति में मैं होता हूँ तो मैं खुद से पता क्या कहता हूँ, कहता हूँ कि मैं कर लूँगा। क्या मैं ऐसी कंडीशनों में कई बार फंसा हूँ तो मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मगर एक शरीर की जो भूख होती है ना, मन हमारा नहीं टूटता है, मगर भूख जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मुझे अभी ज़रूरत है कुछ ऐसा देख। और जब भी आप ऐसा सफ़र कर रहे हो तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखें। एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा, एक मिनट मेरे पास आओ मेरी टीम। यहाँ पर ये आपको देख रहे हो, ये सुंदर से जो फूल है इसे बोला जाता है जंगली चमेली, और ये फूल आप खा भी सकते हैं, इसलिए इनका मैं अभी क्या है तोड़कर अपने पास रख लेता हूँ। अगर मेरा खाने का इंतजाम नहीं होता है शाम तक तो ये मैं मेरे भूख मिटाने के काम आएगा। यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी मात्रा में है मौजूद, तो मैं इन सबको तोड़ने वाला हूँ और अपने पास शाम के खाने के तौर पर यहाँ पर रख सकता हूँ। और इनमें एक अच्छी सुगंध भी आती है, तो आप इसे एक परफ्यूम के तौर पर भी रख सकते हैं। रात को इन्हें अगर आप जला लोगे तो इससे मच्छर भी भागने के काम आएंगे। बहुत अच्छी सुंदर खुशबू है, तो इसे मैं अपने पास रख ले रहा हूँ, ये मेरे काम आएंगे सभी। और ये एक एक मौके को आप छोड़िए मत, आपके बहुत काम आने वाली ये चीज़ें, छोटी छोटी बेशक लग रही हूँ आपके काम आएंगी ये चीज़ें। चलिए देख रहे हैं ये जंगली लोमड़ी है, और जो कि मुझे लगता है कि ग्यावन है, और इसका दूध मैं पी सकता हूँ, और उसके लिए इसका पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर मुझे हमला करना पड़ेगा। आप मेरे पीछे आइए और इसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो भाग गई है, और भाग चुकी है ये, कोई बात नहीं ले। ऐसे बरसाती वनों में जाएं किसी भी इंडिया से बाहर या किसी भी देश के, तो अपने साथ कुछ ज़रूरत का सामान जरूर रखें, जैसे बोतल पानी की और हमारे चकमक पत्थर, और हो सके तो लाइटर ज़रूर रखें, वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो ऐसी जगह पर जब भी आप कभी भी नाइट स्टे या कोई भी कहीं भी घूमने जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को आपके साथ होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे आपको यहाँ खाने को मिले या ना मिले, और पानी को बस ढूंढना है और उसके सहारे भी जीना पड़ सकता है आपको। बस आपको कोशिश करनी कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की आपकी हताशा हावी ना हो, क्योंकि जितना आपके ऊपर हावी होगी हताशा, तो आपको जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। और एक सेकेंड आप आइए, एक सेकेंड वो देखिए जिस मैं कबीले जनजाति के लोगों की बात कर रहा था, वो देखिए ये वो मिल चुके, वो देखिए वहाँ कुछ इंसानों की बस्तियाँ हैं जहाँ से मैं अपने घर यानी कि अपने देश जा सकता हूँ, और यानी कि मेरा ये सफ़र ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए तो वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ, अलविदा, टाटा, बाय बाय।